It's me, Sayyid Muhammad Asanaza from mathhimath.com. Let's start with question number 6 of exercise number 7.3. The statement of the question is find 7 a.m. between 8 and 12. Yani 8 or 12 mein 7 a.m. jo hai na, ye humne insert karne hai ya inko find out karne. तो हम सबसे पहले तो ये है कि am जो है ना 7 am ये suppose कर लेते हैं कि a1 से लेके a capital a1 से capital a7 तक है, so इनको हम put भी कर देते हैं. ये बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि practice अभी पिछले 2-3 questions में चल रही है, तो इसकी methodology भी बिल्कुल उसी तरह से है. इसके अंदर क्या है कि आप के पास जो है सबसे पहले क्योंकि ये 8 और 12 में आपने पुट करना है, सो 8 आप एक साइड पर कर लें, 12 दूसरी साइड पर कर लें. इसमें 7 जो है ना वो a arithmetic means वो आप इसमें insert कर लें. सो पहली टर्म आपकी क्या बनेगी, जरा सोचिए 8 और ये 12 टर्म 12 जो होगा ये कौन से वाली टर्म बनेगी. चलें इसे काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9. यानी यहाँ पे आपका a1 जो है वो 8 है, a9 जो है वो 12 है. जस्ट हम डिफरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं जैसा कि पहले क्वेश्चंस में भी हमने किया. डिफरेंस के लिए आप a9 को ले लें, a9 इज इक्वल टू a1 प्लस 8d. सो a9 जो है वो 12 है, ये गिवन है, इज इक्वल टू a1 प्लस a1 जो है वो आपके पास 8 है, सो a1 जो है 8 प्लस 8d आ गया. यहाँ पे 8 को आप इक्वल साइन के दूसरी साइड पर ले जाएं, ये आ जाएगा आपके पास 12 माइनस 8 इज इक्वल टू 8d. सो यहाँ पे टोटली 12 में से 8 सब्ट्रैक्ट हुए, ये 4 इज इक्वल टू 8d. दोनों साइड पर आप जो है ना 8 को डिवाइड कर दें, तो d आपके पास फॉर्मूला 2 आ गया. तो चले d आ गया आपके पास. अब जरा देखते हैं कि a1 क्या है. अच्छा, अब यहाँ पे कैपिटल a1 क्या होगा. एक्चुअली कैपिटल a1 जो है ये दूसरी टर्म है, क्योंकि पहली टर्म 8 है तो दूसरी टर्म जो है वो कैपिटल a1 है. तो कैपिटल a1 की क्या वैल्यू होगी. वेरी सिंपल, आपको पता है कि ये कैपिटल a1 हमेशा पहली टर्म के अंदर अगर मैं 1 टाइम डिफरेंस ले, यानी 8 प्लस 1/2, तो ये मेरे पास दूसरी टर्म यानी कैपिटल a1 बन जाएगी. अगर मैं a2 फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो ये a2 कैसे फाइंड आउट करूँगा कि मैं पहली टर्म के अंदर यानी a3 यानी ये बेसिकली a कैपिटल a2 ये थर्ड टर्म है, तो थर्ड टर्म के लिए मुझे यानी a1 जो मेरी पहली टर्म है इसमें 2 टाइम्स डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा. यानी एक डिफरेंस यहाँ आएगा, दूसरा डिफरेंस यहाँ आएगा, तो ये जो है ना ये मेरे पास a2 यानी थर्ड टर्म को मैं फाइंड आउट कर सकूँगा. तो a3 क्या होगा, ये बेसिकली फोर्थ टर्म है. इस फोर्थ टर्म के अंदर मुझे पहली टर्म के अंदर 3 दफ़ा डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, एंड सो ऑन. यही चक्कर यहाँ तक चलता रहेगा. चलें देखें क्या हुआ. इसके अंदर a1 कैपिटल a1 जो है ये कैपिटल a1 बेसिकली सेकंड टर्म है. इसके अंदर सेकंड टर्म के अंदर को फाइंड आउट करने सेकंड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए पहली टर्म के अंदर 1 टाइम डिफरेंस आपने ऐड कर दिया, यानी 8 प्लस 1/2, यहाँ 2 एलसीएम आया, ये आ गया जी 2 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 16 प्लस 1/2 दैट विल एक्चुअली रिटर्न 7/2. नेक्स्ट a2 को आप फाइंड आउट करें. a2 क्या है, a2 बेसिकली आपकी थर्ड टर्म है. थर्ड टर्म के अंदर थर्ड टर्म को फाइंड आउट करने के लिए आप पहली टर्म के अंदर 2 टाइम्स जो है वो डिफरेंस उसको ऐड कर देंगे. सो पहली टर्म है 8 प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई 1/2, 2 और 2 आप इसमें कट हो जाएंगे, सो 8 प्लस 1 इज इक्वल टू 9, सो a2 इज इक्वल टू 9 आ जाएगा. इसी तरह से a3 a4 a5 6 और 7 जो है वो आप फाइंड आउट करें, और
ये बिल्कुल जस्ट उसी तरह से होगा कि जी ए सेवन की दफ़ा जो होगा वो ए सेवन आठवीं टर्म है, आठवीं टर्म के लिए ए वन प्लस सेवन डी, यानी सेवन डी का ये मतलब है कि सेवन टाइम डिफरेंस ए वन में अगर ऐड करें तो वो आपको ए यानी कि आठवीं टर्म जो है ना ए सेवन मिल जाएगी। तो फाइनली आपके पास ये वो ए एम्स हैं जो कि हमने इंसर्ट किए हैं, और कहाँ इंसर्ट किए हैं, एट और बेसिकली एट में और अलेवन में ये जो है ना ये ए एम्स जो सेवन ए एम्स हमने इसमें इंसर्ट किए हैं। एट और ट्वेल्व में हमने सेवन ए एम्स जो है ना इनको इंसर्ट किया है। तो एट और ट्वेल्व में जो सेवन ए एम्स हमने इंसर्ट किए इनकी ये वैल्यूज हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, इंशाल्लाह हम ट्राई करेंगे कि आपकी क्यूरीज को वेल इन टाइम जो है ना इनको रिस्पॉन्स दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच।